पहले आईपीएल मैच के लिए धोनी के 11 धुरंधर का हुआ ऐलान। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और कौन से वो सीएसके के 11 धुरंधर खिलाड़ी जो आरसीबी के खिलाफ उतरेंगे यहाँ पर मैदान पर, सब कुछ बताने वाले इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग टीम के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल भैया आईपीएल 2024 के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च से होगी जिसका पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच खेला जाना है। पिछले सीजन चैंपियन बनने वाली चेन्नई की टीम के आगे सीजन की शुरुआत से पहले ही बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। दरअसल यहां पे यूं कहें कि टीम के स्टार ओपनर डेविन कॉनवे चोटी ले चुके और वही आपको बताया कि अब वो यहां पर मई तक वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ओपनिंग कौन करता है और क्या हो सकती है यहां पे भैया सीएसके टीम की प्लेइंग 11 आरसीबी के खिलाफ। पहले यही अगर दोस्तों ओपनिंग जोड़ी की बात करी जाए तो ओपनिंग जोड़ी पे तौर पर एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ तो ये कमान संभालेंगे, लेकिन अब ओपनिंग पे तौर पर एक नए खिलाड़ी आए हैं जिनको अभी हाल ही में यूं कहें कि भैया ऑक्शन में शामिल किया गया है। सीएसके टीम ने इनको लिया है रचित रविंद्र, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ऑलराउंडर है लेकिन ओपनिंग करना बेहतरीन से अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर ऑलराउंडर एक और मोइन अली होंगे। तो इसके साथ साथ शिवम दुबे होने वाले, वहीं इसी के बाद खुद कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, वहीं ऑलराउंडर में एक और रविंद्र जडेजा, सारू ठाकुर होंगे, तो वहीं दीपक चहर। इसी के साथ साथ यहां पे आपको बता दें कि भैया मतीसा पथिराना होने वाले। तो ये होने वाली है सीएसके टीम की प्लेइंग 11। आपकी क्या राय इस प्लेइंग 11 के बारे में और आपको क्या लगता है क्या सीएसके इस प्लेइंग 11 के साथ पहला मैच जीत पाएगा या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट कर जो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।